अगर अगला एक बड़ा फैक्टर देखें तो वो है कच्चा तेल का। तो कच्चे तेल में जैसा आपने जिक्र किया कि एक बार फिर से चाल बनी है, तेजी बनी है और इसने कहीं ना कहीं इस चाल में चौंकाया भी है। तो क्या ये भी शुद्ध रूप से ये जो क्रीमिया में पुल टूटा है, मतलब तोड़ा गया है या हादसा हुआ है, पर जो भी हो किसने तोड़ा है ये तो किसी ने जिम्मेदारी ली नहीं, क्या उसी ने यहाँ पर 50-day मूविंग एवरेज तोड़ने में, 20-day मूविंग एवरेज तोड़ने में, सबको तोड़ने में मदद की है क्रूड की भी? जी बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ ये क्रीमिया के ही पुल टूटने की बात नहीं है, गैज़प्रोम का पाइप फटा हुआ है, वो भी साबोटाज है। ये बात बिल्कुल क्लियर बोली गई है, लेकिन कौन करके गया है तो उसके स्पेकुलेशन ही चल रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि रूस पर सीधे सीधे हमला नहीं कर सकते तो गोरिल्ला वार चल रहा है वहां पर। सही बात है ना कि अब कौन पत्थर लेके चल रहा है, मैं चल रहा हूँ रोड पे, कोई हाथ में पत्थर छुपा के चल रहा है, कोई किधर से मार दे, अब मार के निकल जा रहा है। मेन मकसद तो ये कि सिर फट जाए, तो वो तो फट जा रहा है, अब कौन मार रहा है उससे कोई मकसद जिसका पूरा होना है वो कर रहा है। लेकिन जो भी कर रहा है ये अच्छी चीज नहीं है, ये उनको समझना चाहिए कि ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अगर इतनी थोड़ी सी भी संजीदगी है उनके दिल में तो उनको सोचना चाहिए, चाहे वो प्रेसिडेंट लेवल हो चाहे किसी लेवल पे। बट एनीवेज, और वो खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ऐसा है अभी कि एक तरह से दहशत तो है अंदर में कि कल को क्या हो सकता है। ईगो पे आने के बाद कुछ भी हो सकता है, इंसान पागल हो जाता है, ईगो ऐसी चीज है कि पागल कर देता है, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो उसको ना करके नहीं चलना है। हाँ, एक चीज पक्का है जो मुझे अभी देख के लग रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इंडिया प्ले कर रहा है, वो किसी भी तरह से किसी भी न्यूसेंस के फेवर में नहीं है, ना वहां पे टांग अड़ाना चाहता है। इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा इसको, और हमको मिल भी रहा है। देखिए, अब बात पहले हो रही थी चाइना प्लस वन, अगर आप लोग को सुनाई दे रहा हो तो अब बात हो रही है यूरोप प्लस वन की, लेकिन कैसे कैसे सिचुएशन चेंज होता है मैं आपको एक सर्क्यूलर मोशन बताता हूँ, बिकॉज जब से मैं मार्केट देख रहा हूँ तब से तो सारी चीजें, सारी इमेजेस तो फिट हैं। 2008 के पहले प्रॉब्लम ये थी कि हम बहुत ज्यादा यूएस स्क्यूड थे, हमारे बिजनेस बहुत ज्यादा यूएस स्क्यूड था, जिसके कारण जब सबप्राइम क्राइसिस हुआ तो हमको बहुत ज्यादा सेटबैक लगा। वो सेटबैक से बाहर निकलने के बाद फिर हमारा बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुआ, जहां पे हमारे पास यूरोप का बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता गया धीरे धीरे। अनफॉर्चुनेट था कि यूरोप उसके बाद से ब्रेग्जिट के चक्कर में खुद ही प्रॉब्लम में आने लगा, लेकिन फिर भी हमारा रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो गया था, तो वो एक अच्छी चीज थी, थोड़ा रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए था। वो खत्म हुआ, उसके बाद जो शुरू हुई वो ही चाइना प्लस वन पॉलिसी, जिसका बेनिफिट इंडिया को मिला। चाइना प्लस वन पॉलिसी खत्म होने के बाद अब बिकॉज ऑफ दिस यूरोप टेंशन, यूएस यूरोप जिसका भी टेंशन है, अब यूरोप प्लस वन की भी बात चल रही है। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि सब लोग यूरोप में बिजनेस नहीं करते हैं, तो उनके यूरोप के बिजनेसेस इंपैक्टेड हैं, और बहुत लंबा समय लगेगा यूरोप को इस क्राइसिस से निकलने के लिए, भले ही एक साल में जिस क्राइसिस में गए 10 साल से ऊपर लगेगा उनको निकलने। तो अब यूरोप प्लस वन, इस यहाँ पे हमारी जो पोजिशनिंग है इन टर्म्स ऑफ केपेबिलिटी प्लस रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल अवेलेबिलिटी, हमारी जो एबिलिटी है भी बहुत फेवर कर रही है, और इसलिए चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, ये सब हमको फायदा ही करने वाले हैं। तो नेट बेनिफिट हमको फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि हमको खरोच नहीं आएगी, खरोच हमको भी आएगी, बट नेट बेनिफिट ये होगा कि लोग बर्बाद होंगे और हम फिर भी थोड़े कम बर्बाद होंगे या फिर भी आबाद रहेंगे, तो ये सिचुएशन होने वाला है। आप ये सारे साइकिल्स धीरे धीरे पढ़िएगा, धीरे धीरे किताबें भी आएंगी, 2008 से कैसे यूरोप में मूव हुआ, उसके बाद फिर चाइना प्लस वन कैसे शुरू हुआ, अब यूरोप प्लस वन कैसे शुरू हो रहा है, ये बिजनेस डिपेंडेंस और प्लस जो करेंसी डिपेंडेंस है इसको कैसे रिड्यूस किया जा रहा है, पूरा डायनामिक्स चेंज हो रहा है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड मूव करेगा सेल्फ रिलायंस की तरफ, अब किसी पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तो फिलहाल यहाँ कच्चे तेल के चार्ट को देख करके क्या लग रहा है, क्या अब ये लगभग एक बार फिर से 100-102 के आसपास तक, या जो एक रिसेंट स्विंग हाई दिख रहा है 103 का, ये सारे लेवल्स खुल जा रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि अभी पैरामीटर्स बहुत क्लियर नहीं है, तो हमें फिर जो आपने 103 वाला हाई लिया है उसको अभी लेके चलना पड़ेगा असेसमेंट के लिए, वहां से क्लियरली एक बारी में नहीं निकलेगा, 50 DMA के ऊपर का चैलेंज एक बार क्लियर नहीं होगा मेरे हिसाब से, वहाँ स्ट्रगल होगा,
बट वहां पे असेसमेंट करेंगे कि वहीं पे रुक जाएगा या थोड़ा और ऊपर जाएगा। द रीजन इज कि क्रूड गिर भी रहा है बहुत ऊपर से, 125 के ऊपर से जाके गिर रहा है, 125-26 के आसपास से, 30 के आसपास से। वहां से गिरते हुए अगर 80 चला गया है तो एक रिएक्शन फॉर सम रीजन जो भी है, एक रिएक्शन ओके है, लेकिन ये रिएक्शन में कितना स्ट्रेंथ है इस पर डिपेंड करेगा आने वाले वक्त में, बिकॉज क्रूड ने अभी फैक्टर किया है $2 बिलियन बैरल पर डे का कट। अभी क्रूड ने क्या फैक्टर नहीं किया है, ये जो धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहे हैं, जो अब चाइना ताइवान का और टेंशन इमर्ज होके आ रहा है बाहर में, चाइना ताइवान यूएस का, और जिस तरह से रशिया का एग्रेशन और बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ जो उनका फ्रस्ट्रेशन के हिसाब से, तो इन सब का भी तो क्रूड पे असर पड़ने वाला है, बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। तो फंडामेंटली आप पूछेंगे क्या है, तो ग्लोबल इकोनॉमी का जो सिचुएशन है या 6 महीने के बाद जो सिचुएशन आने वाला है उस हिसाब से क्रूड, मैं क्रूड बेयर हूँ, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो टेम्पररी इफेक्ट्स आ सकते हैं जो कि क्रूड प्राइसेस ग्लोबल मार्केट्स को टिजी में डाल सकते हैं, ये सब का फैक्टरिंग तो अभी डेटा में नहीं हो सकते, ओवरनाइट डेवलपमेंट भी। जी शुद्ध तकनीकी रूप से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि जो रिट्रेसमेंट हम लें, आपने जिक्र किया 125 से गिरता हुआ आ रहा है और लगभग 85.5 के आसपास तक अभी हाल में फिसला, वहाँ से ये वापस संभलता हुआ दिख रहा है, और इसमें वापस संभलने के दौरान अभी ये 38.2% रिट्रेसमेंट को छूने जा रहा है, लगभग 99 पर है 38.2% रिट्रेसमेंट, तो लगभग 100, 102, 103 तक जाने की गुंजाइश बन रही है, मतलब ये रिट्रेसमेंट तो पार हो गया, लेकिन उसके आगे वाला जो लेवल है 50% वो पार नहीं होगा, 61.8 तो और आगे है, 109 के आसपास है, वो दूर है। तो अगर ये 102, 103 के आसपास से ही पलट जाता है और वापस ये 99 के नीचे आ जाता है, तो क्या ये वापस डाउन टर्न रिज्यूम होने का एक संकेत होगा, जो आप कह रहे हैं कि अभी मैं क्रूड पे बेयरिश ही हूँ? हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हमें वहाँ पे जो फंडामेंटल रीडिंग है उसको ओपन रखना होगा। वहाँ पे कोई फंडामेंटल सेंटिमेंटल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटिमेंटल चेंज लीडिंग टू फंडामेंटल चेंज नहीं होना चाहिए, वो होगा तभी रीअसेसमेंट होगी। अदरवाइज गिवन दी पोटेंशियल इकोनॉमिक रिसेशन, करंट इकोनॉमिक रिसेशन एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक रिसेशन इन यूएस एंड यूएस 6 मंथ डाउन द लाइन, हमको क्रूड बेयर ही रहना है, बिकॉज कंजम्पशन कम होगी ही होगी, कोई यूज नहीं करने वाला उतना, कौन जब डिमांड ही कट हो जाएगा तो कौन यूज करेगा, प्लस जब जी का टर्म इंश्योर हो जाए, इंश्योर तो हो ही गया है, लेकिन उसके बाद जब पॉलिसी वगैरह वो जो इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो वहाँ पे भी इकोनॉमी में और कितना क्या ओपन हो रहा है उसके भी असेसमेंट होगी, बिकॉज अभी तक तो कोई भी चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव नहीं हुआ है फिलहाल, एट दिस जंक्चर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन एट सम पॉइंट वो भी हो सकता है, तो उसको भी असेस करना है कि चाइना का नवंबर ऑनवर्ड्स का स्टैंड होता है, इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में कैसे लेके जाना चाहते हैं, इन सब चीजों के असेसमेंट के बाद ही क्रूड का फाइनल असेसमेंट किया जा सकता है। गिवन द करंट कंडीशन मैं क्रूड बेयर हूँ जब तक फंडामेंटल सिचुएशन चेंज। तो अगर कच्चे तेल को वापस नरम होना ही है तो क्या इस समय उस एक फैक्टर को लेकर के, क्योंकि अभी बाजार में जो नेगेटिव रिएक्शन आएगा, एक तो मतलब अमेरिकी बाजारों में जैसा रिएक्शन आया है उसके चलते होगा, साथ में थोड़ा सा कच्चे तेल के दाम बढ़ने का भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा, तो क्या वो जो क्रूड वाला इम्पैक्ट है उसको बाद में डिस्काउंट कर लेगा बाजार? एट सम पॉइंट इन टाइम करेगा, लेकिन $100 के ऊपर क्रूड का सस्टेन करना हमारे लिए नेगेटिव काम करेगा, बिकॉज जो हमारा मार्केट फैक्टर कर रहा था वो 100 का क्रूड नहीं फैक्टर कर रहा था, वो 80-70 का क्रूड फैक्टर कर रहा था, तो उसमें हमें $20 का बेनिफिट इन क्रूड इज इक्विवेलेंट टू 0.4-0.5% ऑफ GDP भी, 80 के ऊपर की हम बात करते हैं, तो वो फैक्टर करने की कोशिश कर रहा था, और इसी कारण आपने देखा होगा सीधा वर्ल्ड बैंक ने GDP 4 का 7.5 से सीधा 7.3 से 6.5 कर डाला है। तो मुझे 6.5 वाला बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 10% का मार्जिन ऑफ एरर हर नंबर में रहता है, चाहे कितना भी बड़ा इकोनॉमिस्ट फैक्टर कर ले, 10% का मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना पड़ेगा। 10% का मार्जिन ऑफ एरर इज 6.5 फ्रॉम 7.3-7.4 काइंड ऑफ नंबर, विच इज ओके,
प्रॉब्लम तभी होगी हमारे मार्केट में अगर हमारा रुपी वो 85-86 वाले जोन में जाने लगेगा, अगर मतलब वो भगवान न करे अगर वैसा वाला सिचुएशन बन जाता है तो ही प्रॉब्लम उतनी ज्यादा बड़ी होगी, अदरवाइज उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी।